पंजाब में सबसे बड़ा ऑपरेशन, 72 घंटे में 100 से ज्यादा गुर्गे गिरफ्तार। पंजाब पुलिस के साथ ही साथ एनआईए ने संभाली कमान। मोस्ट वांटेड अमृतपाल, वो पिछले 4 दिनों से अचानक अंडरग्राउंड हो गया। वो कहां छिपा है, किसने पनाह दी? पंजाब पुलिस के साथ ही साथ एनआईए की 8 टीमें भी एक्टिव मोड में आ गई हैं। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है कि अमन चैन के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताकतों के हाथ चढ़कर पंजाब में माहौल खराब करने की बातें कर रहे थे, नफरत भरी स्पीच दे रहे थे, कुछ ऐसे कानून के खिलाफ बोल रहे थे, तो उन पर कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई के दौरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस अमृतपाल को पंजाब में आपने महंगी कारों के काफिले और हथियारों समर्थकों के जमावड़े में देखा, वो पहले ऐसा नहीं था। पंजाब से काम की तलाश में उस संयुक्त अरब अमीरात गया था और दुबई में ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी पुरानी तस्वीरें देखकर कोई भी धोखा खा जाए कि क्या ये वही अमृतपाल है। विदेश में जींस टी शर्ट पहनने वाले अमृतपाल ने भारत पहुंचते ही सबसे पहले अपना हुलिया बदला और फिर देश के दुश्मनों का एजेंडा बढ़ाने लगा। और इन सब के पीछे दिमाग काम कर रहा था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का। दुबई में ब्रेन वॉश, जॉर्जिया में ट्रेनिंग, बतौर ड्राइवर अमृतपाल का दुबई में भारत विरोधी ग्रुप में अच्छी खासी पैठ थी। और उसके इसी हाव भाव या यूं कहें दिमाग में पल रहे भारत विरोधी जुनून को ISI ने भांप लिया और फिर शुरू हो गया ब्रेन वॉश का खेल। अब तक की जांच में सामने आया कि दुबई में ही अमृतपाल ISI के संपर्क में आया था। आंखों के इलाज के दौरान पहली बार अमृतपाल ISI एजेंट से मिला था। दुबई में ही अमृतपाल को वारिस पंजाब दे संगठन की जानकारी दी गई थी। ISI के प्लान अमृतपाल का दुबई महज एक फ्रंट था। ISI के लोग पूरी तैयारी के साथ अमृतपाल को प्लांट करना चाहते थे। इसी साजिश के तहत अमृतपाल की ट्रेनिंग शुरू हुई दुबई से हजारों मील दूर जॉर्जिया में। पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के बीच में जॉर्जिया ऐसा देश जिसे पाकिस्तानी एजेंसी से पैसेज के तौर पर अक्सर इस्तेमाल करती हैं। यहाँ के हथियारबंद ग्रुप के बीच अमृतपाल की ट्रेनिंग कराई गई थी। जांच एजेंसी के मुताबिक जॉर्जिया में अमृतपाल की आर्म्स ट्रेनिंग हुई थी और जॉर्जिया में ही उसे कई और भारत विरोधी गुटों से मिलवाया गया था। बताया जा रहा है कि अमृतपाल सिंह जिस मर्सिडीज कार को पंजाब में सफर करने के लिए इस्तेमाल करता है उसे एक ड्रग डीलर ने दी थी। पाकिस्तानी मोहरे यानी अमृतपाल के जरिए भारत में ड्रग्स का जाल बिछाने और माहौल बिगाड़ने के एजेंडे को प्लांट किया गया था, मगर साजिश को अमृतपाल अंजाम दे पाता उससे पहले ही उसका ISI प्लान डिकोड हो गया। अब तक 154 जो लोग हैं कस्टडी में लिए गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं इस केस में। वेपन्स की जो रिकवरी है वो करीब 12 वेपन्स अब तक रिकवर हुए हैं, जिसमें राइफल्स भी हैं, रिवॉल्वर भी है। राइफल्स में 2 तरह की राइफल्स हैं, तो वो सारी अभी फर्दर चल रही है। मोस्ट वांटेड अमृतपाल पंजाब में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करता था, मगर खुलासे बताते हैं कि इसी ड्रग्स के नेटवर्क के जरिए वो ISI के प्लान की एक एक ईंट जोड़ रहा था। और जैसे जैसे नापाक नेटवर्क टूटते जाएंगे ISI के कई और मोहरे बेनकाब होते जाएंगे।